चलते हैं लाइव मेरठ, जहां खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जा रहा है। शिलान्यास के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर जब प्रदेश भर के खिलाड़ी यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में एकलव्य क्रीड़ा कोष की भी स्थापना की है, जो खिलाड़ियों के लिए न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए योग्य प्रशिक्षण और कोचिंग की व्यवस्था करेगा, बल्कि उन्हें फेलोशिप देने और उन्हें हर प्रकार का उत्तम माहौल देने में भी अपना योगदान देगा। साथ साथ प्रदेश के अंदर उन सभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर भी कार्रवाई कर रही है, जिन्होंने ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल खेलों में या फिर एशियन गेम्स में जो भी खिलाड़ी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में स्थान प्राप्त करेंगे, शासन की सेवाओं में उनका समायोजन हो सके, उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके और वे फिर अपनी प्रतिभा का लाभ नई पीढ़ी को दे सके, इस दिशा में भी सरकार ने निर्णय लेकर के इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश में उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक में अभी हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया, देश के लिए मेडल जीते हैं, और प्रदेश के उन सभी ओलंपिक वीरों को जिन्होंने ओलंपिक में प्रतिभाग भी किया है, उन्हें मेरठ में पैरालंपिक के खिलाड़ियों को और लखनऊ में ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले और मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का विशाल सम्मान समारोह भी आयोजित करके उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया है। आज प्रदेश के अंदर खेल प्रतिस्पर्धाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने अनेक कदम बढ़ाए हैं, जिसमें हर गांव में खेल का मैदान, ओपन जिम का निर्माण, हर जनपद में स्टेडियम, मिनी स्टेडियम और तमाम अन्य खेलों को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम हो, इसके लिए राज्य सरकार उस प्रकार की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है और भारत सरकार का सहयोग इन सभी कार्यक्रमों में राज्य सरकार को भरपूर प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार ने तमाम अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को, ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए, टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार राज्य सरकार अपने खिलाड़ियों को प्रदान करता है। इसी प्रकार से कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में भी राज्य सरकार उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आज हम सब जब यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं, भाइयों बहनों, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। यहां का किसान और यहां का जवान सदैव न केवल राष्ट्र की सेवा के लिए बल्कि अन्न उत्पादन में भी अपना योगदान दिया है। हर प्रकार से भूमि उर्वरा भूमि रही है, हजारों वर्षों का इसका अपना इतिहास है, लेकिन पिछली सरकारों के समय में जिस प्रकार की विसंगतियां पैदा हुई थी, यहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ था, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था, दंगों के एक श्रृंखला के माध्यम से यहां के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ था, लेकिन अब आज जब प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, प्रदेश में दंगे बंद हुए, जिस कावड़ यात्रा को रोक दिया गया था वह कावड़ यात्रा फिर से प्रारंभ हो चुकी है, और यही नहीं, अब
यहाँ पर सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि दंगाइयों को भी और सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए तत्वों को मालूम है कि अगर वे सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उन्हीं के लिए वह खतरा वापस रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का खेल उत्तर प्रदेश के इस पहले स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी भाइयों बहनों की ओर से, उत्तर प्रदेश से आए हुए सभी खिलाड़ियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और जिसकी प्रतीक्षा थी हमें, वो घड़ी अब आ गई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने की कृपा करें। बटन दब गया और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मेरठ को, उत्तर प्रदेश को ये सौगात देने के लिए। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय आने वाले समय में कैसा होगा, इससे कैसे लाभ मिलेगा, इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। भारत एक युवा राष्ट्र है। विश्व के किसी भी देश की तुलना में यहाँ सर्वाधिक युवा है। युवा शक्ति ही भारत की पहचान है। फिर भी आजादी के बाद एक लंबे समय तक संसाधनों के अभाव में देश के युवाओं को अवसर नहीं मिल पाते थे। 2014 से पहले खेल प्रतिभाओं को अवसरों, ट्रेनिंग एवं कोच की कमी के चलते खेलों में भारत का प्रदर्शन बहुत ही साधारण रहता था। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवा शक्ति की ऊर्जा और देश की प्रगति में उनका योगदान बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ही खेल व खिलाड़ियों के साथ साथ एथलीट्स और पैरा एथलीट्स को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट चलाया और खेलों में गांवों के युवाओं को आगे लाने की मुहिम शुरू की। भारत में स्पोर्ट्स के प्रमोशन और पार्टिसिपेशन के लिए लगातार बड़ी निष्ठा के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। टैलेंट की पहचान हो, ट्रेनिंग हो या फिर चयन प्रक्रिया हो, हर तरफ, हर स्टेज पर ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जा रहा है। इसका परिणाम अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत के प्रदर्शन में भी आज हमारे लोग, हमारे नौजवान कुछ न कुछ कर दिखा रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने स्थानीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय खेलों तथा ओलंपिक के लिए तैयार करने और पदक प्राप्त करने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की, जिसके तहत युवा खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के साथ अत्याधुनिक खेल उपकरण व आर्थिक सहायता दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के प्रति युवाओं को तैयार करने के लिए वर्ष 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की। उसी का परिणाम है कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और विश्व चैंपियनशिप में देश के युवाओं ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और ओलंपिक गेम्स में रिकॉर्ड पदक प्राप्त किए। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में खेल प्रोत्साहन सिर्फ बातें थी, खेल प्रतिभाएं सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाती थी। वर्ष 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए युवा शक्ति के प्रोत्साहन से